छत्तीसगढ़ मरवाही के तहसीलदार तुलसीदास मरकाम का स्थानांतरण मरवाही से जसपुर जिले में कर दिया गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। गौरतलब हो कि पिछले कई दिनों से मरवाही के जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने तहसीलदार द्वारा रेत परिवहन एवं अन्य न्यायालयीन कार्य में मनमानी वसूली की शिकायत को लेकर लामबंद हो गए थे। मामले में छतका के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था और अपने सुप्रीमों को अवगत कराया। विधायक अजीत जोगी की पहल पर अंततः ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि मरवाही में तहसीलदार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम आए थे और सभी का पक्ष सुना। जांच पूरे दिन भर चली। हालांकि अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ तहसीलदार को स्थानांतरित कर बचाने में सफल रहे, जबकि तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग की जा रही थी। फोन से दिया था, थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई। वो समय क्या रहा होगा सर? घटना के जस्ट बाद ना अपर कलेक्टर साहब को जानकारी दिया हूँ, उन्होंने यहाँ अभी स्वीकार भी किए कि मेरे को जानकारी मिला था। उनका कहना है सर 7 बजे मेरे को जानकारी दिया है। नहीं, पहले दिए थे घटना के। उन्होंने अभी जस्ट बाद ये बात को रखा है। घटना के बाद तुरंत जानकारी दिए थे साहब ने, अभी आप लोग के सामने बताया अभी कि जानकारी मिला है, फोन से हमें दिया है। तहसीलदार ने मुझे फोन में भी वही 6 बजे के लगभग बताया कि ऐसा ऐसा घटना मेरे साथ घटित हुआ है, तो मैं भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। मैं इनको ये बोला था कि कल आ रहे हैं, अपन जांच एक बार कर लेते हैं, पूछताछ कर लेते हैं, फिर क्या कार्रवाई करना है बताएंगे। सर एक अहम और मुद्दा है, अभी क्या व्यवस्था हो पाएगा यहाँ पे? अभी शासकीय कामों की स्वीकृति हुई है आपके जिला से, राज्य से, अभी ये रेत की व्यवस्था? अभी व्यवस्था की बात नहीं, ये शासन का निर्देश है कि जो ग्रामीण विकास के कार्य संचालित है जी, उस पर किसी प्रकार की रेत मुरम गिट्टी पर रॉयल्टी दे नहीं होता है जी, उस पर रॉयल्टी छूट है। और सीओ साहब या के साथ सरपंच लोग आए थे, तब भी मैंने कहा था कि गौण खरीज नियम के तहत जो केंद्र की योजनाएं हैं और ग्रामीण विकास के सभी कार्य हैं, उस पर किसी प्रकार की रॉयल्टी नहीं लगती। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय चैनल।